सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाली वीडियो हम वापस इसी लैपटॉप पे आ गए हैं, यानी इसी लैपटॉप की मैं आपको सारी जो डिटेल स्पेसिफिकेशंस है, मैं इसका डिज़ाइन और लुक की बात नहीं करूँगा, सिर्फ जो अंदर जो माल मसाला भरा हुआ उसी की बात करेंगे। और क्या आप स्टोरेज रैम वगैरह क्या कुछ अपग्रेड कर सकते हैं इसी लैपटॉप के अंदर, सो इसी वीडियो की आगे बढ़ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप 180 डिग्री से के अंदर भी आप देख लो 170 डिग्री के, तभी भी आपको स्क्रीन पूरी नज़र आएगी, यानी आपका जो पुराने लैपटॉप्स में होता था वैसा नहीं होगा। और स्क्रीन की रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूँ तो 120 हर्ट्ज की इसकी रिफ्रेश रेट है। जो टॉप वाले मॉडल है, लोअर वाले मॉडल में 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगी। देन वी केम टू द कीबोर्ड, आपको इधर मैं दिखा दूँ इसका, ये कीबोर्ड कुछ ऐसा लग रहा है। वापस हम हमारे व्यू में आ जाते हैं। तो इसका जो कीबोर्ड है वो है सीजर मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड, काफ़ी अच्छा है, यानी आपको नॉर्मल अच्छा, यानी जो नॉर्मल लैपटॉप्स वगैरह थे उसके जो सीजर मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड होता है जो है ना, वो हर एक उसके आइडिया पैड में देता है, वही वाला कीबोर्ड है। और इसकी जो बैकप्लेट की मैं लाइट बात करूँ तो कुछ ऐसी इसकी बैकप्लेट है जो रात में दिखती है। और बैकप्लेट आप माइल्ड भी रख सकते हो और हाई भी रख सकते हो। ब्लू कलर की बैकप्लेट कीबोर्ड है, यानी आपको थोड़ा सा हल्का सा गेमिंग वाला फील और लुक देगा इसका जो कीबोर्ड है। देन वी टॉक अबाउट इट्स ट्रैक पैड, जो ये ट्रैक पैड है वो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा मोटा भी है, मेरा मतलब है कि लार्ज ट्रैक पैड है, यानी आपको जो गेस्टर्स वगैरह है वो आपको आराम से इसमें मूव कर सकोगे। और जो लेनोवो की खास बात होती है उसका ट्रैक पैड होता है आइडिया पैड्स वगैरह का, जो काफ़ी अच्छा होता है। देन वी केम टू अवर प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर है कोर i5 10th जनरेशन 10300H। आप बोलोगे कि यार 40,000 के लैपटॉप में भी वही प्रोसेसर हमको i5 वाला मिलता है जो कोर i5 10th जनरेशन, लेकिन मैंने आपको प्रोसेसर के पीछे एक H लगाया हुआ है। H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, जो मैं उसकी अलग एक वीडियो बनाऊंगी i5 के जो 10th जनरेशन H वाला प्रोसेसर और U वाले प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। H वाला जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस देता है। देन वी केम टू द इट्स ग्राफिक कार्ड, ये ग्राफिक कार्ड है GeForce GTX 1650 Ti वाला ग्राफिक कार्ड, 4GB VDDR6 रैम के साथ, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। 4GB का ग्राफिक कार्ड है और आराम से आप हैवी गेमिंग्स वगैरह कर सकते हो। देन अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज है 256GB NVMe SSD। यस, NVMe SSD का मतलब यानी कि आपको परफॉर्मेंस एकदम मक्खन मिलेगी, मक्खन की तरह आपका लैपटॉप ऑन या ऑफ होगा। और हम इसके जो 1TB HDD की बात करें तो इसमें जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो है 5400 RPM। देन अगर हम इसकी जो मैं क्या बोलूँ अपग्रेडेशन, यानी कि मेरे को पहले भी एक दो कमेंट आ चुके कि हमको अगर SSD और स्टोरेज वगैरह अपग्रेड करनी है तो क्या है इस लैपटॉप में पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें आपको 3 स्लॉट्स मिल जाते हैं अलग अलग SSD डालने का, यानी फर्स्ट तो NVMe जिसमें आपकी 256GB वाली लगी हुई आएगी, और एक M.2 का भी आपको स्लॉट मिल जाता है, वो खाली रहता है। यानी अगर आपको अपग्रेडेशन आपको कोई भी स्टोरेज निकाले बिना भी करना है तो वो पॉसिबल है, आप डायरेक्टली M.2 SSD इसमें लगा सकते हो। और मैं अगर हार्ड ड्राइव की अपग्रेडेशन में बात करूँ तो आप कोई कितने भी GB का हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, हार्ड ड्राइव को निकाल के अब उसमें SSD भी साटा वाली जो SSD आती है जो थोड़ी लो परफॉर्मेंस देती है लेकिन हार्ड डिस्क से थोड़ा बेहतर होता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। और मैं रैम की अपग्रेडेशन और रैम की बात करूँ तो इसमें है DDR4 8GB रैम, जो काफ़ी बढ़िया रैम है और अराउंड 3000mAh सेट के साथ आती है। मैं थोड़ा नंबर फेंक रहा हूँ लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका जो नॉर्मल पर्सन जो यूज़ करता है, जैसे कि जिसको ये टेक के बारे में थोड़ा बहुत नहीं मालूम है और वो यूज़ करेगा तो उसको इसमें कैसे परफॉर्मेंस मिलेगा उसकी अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। सो मैं अगर रैम की बात करूँ तो आप 32GB तक आराम से एक्सपांड कर सकते हो जितनी भी आप रैम चाहो। ड्यूअल चैनल रैम है,
जिसका मतलब कि आपको एकदम अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप एक में 8GB और दूसरे में भी 8GB लगाओगे तो आपको ड्यूअल चैनल वाली फंक्शनल मिलेगी, यानी कि आपकी जो गेम्स, जो आपका जो ऐप्स वगैरह की जो स्विचिंग वीडियोस है वो आप एकदम मक्खन की तरह कर सकेगा, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो। और इसकी जो एडिटिंग और वर्क की सब जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी बढ़िया है ही। अगर आप GTA 5 वगैरह के लवर हो तो ये आराम से 60-90 FPS तक दे देती है, यानी आराम से आप मक्खन की तरह GTA 5 चला सकते हो। हमने भी इसमें GTA 5 डाउनलोड करके देखी है, यानी इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हुई गई। आपको इधर कुछ आइकॉन दिख रहा होगा, तो अगर आपको GTA 5 यानी इसकी जो GTA 5 आप खेलते हो ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। और GTA 5 वगैरह गेम्स के अंदर भी ये काफ़ी नॉर्मल यानी अच्छा परफॉर्म करता है। और हाँ, ये जो लैपटॉप बना हुआ है वो एक हार्डकोर गेमर के लिए नहीं बना हुआ है। मेरा मतलब कि अगर आप ये लैपटॉप को परचेस करके अगर आप हार्डकोर वाली गेमिंग करना चाहते हो, मेरा मतलब है कि आप अगर पूरे दिन गेमिंग करना चाहते हो तो ये लैपटॉप उसके लिए बना हुआ नहीं है। ये लैपटॉप एक स्पेशली कैजुअल गेमिंग्स और इसके साथ साथ अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाली एडिटिंग वगैरह करनी है उसके लिए ये लैपटॉप बना हुआ है। स्पेशली अगर मैं ये लैपटॉप सजेस्ट करूँ तो आप अगर एडिटिंग बेस्ट में से बेस्ट करना चाहते हो तो ये लैपटॉप आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ आपको अच्छा प्रोसेसर और अच्छा ग्राफिक कार्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एडिटिंग के लिए परफेक्ट होता है। और मैंने भी इसमें काफ़ी थोड़ी बहुत वीडियोज़ एडिट की, नहीं हुई है मेरा मतलब अभी तक तो मैंने इसमें भी वीडियो एडिट नहीं की, लेकिन ये जो वीडियो है ये मैंने इसी में ही एडिट की हुई है। सो आप बताना कि कैसी लगी। और मैं दूसरी बात बोलूँ ये लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में, तो इसमें 2 USB 3.1 पोर्ट्स मिल जाते हैं, यानी ये वो बहुत बड़ी बात होती है। जो भी नॉर्मली दूसरे सब गेमिंग लैपटॉप आते हैं उसमें सिर्फ एक ही USB 3 और 3.1 पोर्ट होता है, बाकी सब USB 2.0 पोर्ट, लेकिन नहीं, लेनोवो ने इसमें दोनों भले 3 पोर्ट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही है, लेकिन दोनों के दोनों USB 3.1 पोर्ट्स हैं। यानी अगर आपको 2 हार्ड डिस्क लगा के और 2 पेन ड्राइव लगा के अगर उसमें आपको स्टोरेज इधर से उधर करनी है तो काफ़ी फास्ट रहता है। और दूसरी में अगर दूसरे पोर्ट्स की बात करो तो इसमें RJ45 अवेलेबल है, टाइप सी पोर्ट अवेलेबल है। टाइप सी से आप अपना डेटा एसेसरीज चार्ज कर सकते हो, अपना फोन वो सब काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। एसेसरीज में से आप अपना जो एक्सपांडेबल डिस्प्ले होता है वो भी कर सकते हो। और दूसरे पोर्ट्स है इसके अंदर, एक HDMI पोर्ट है और बस इतने ही पोर्ट्स है इसके अंदर। और दूसरा चार्जिंग की बात करो तो चार्जिंग सबसे मेन होता है लैपटॉप में, आपको 2-3 घंटे रखने पड़ते हैं, लेकिन ये लैपटॉप में कुछ ऐसा नहीं है। इसमें रैपिड चार्जिंग फास्ट टेक्नोलॉजी वाली रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। 135 वाट का इसका जो चार्जर है थोड़ा सा मोटा है, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग देगा। और रैपिड चार्जिंग टेक्नोलॉजी, आप रैपिड चार्जिंग को टेक्नोलॉजी को बंद भी कर सकते हो, लाइक आपको अगर फास्ट चार्ज नहीं करना है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में आपकी थोड़ी बैटरी की जो लाइफ होती है, लैपटॉप की जो बैटरी की जो लाइफ होती है थोड़ी डाउन हो जाती है। और मेरा तो यही मानना है कि आपको रैपिड चार्जिंग थोड़ा ऑफ रखो, कभी आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तभी आप रैपिड चार्जिंग ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपको फटाफट चार्ज करके निकलना होता है। सो फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो, और लाइक का बटन भी फ्री में अवेलेबल है, दोनों फ्री ही है, आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। सो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।